दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना सामने आई। इसमें सीएम के निजी सचिव रहे विभव कुमार का नाम आया। वहीं आपके एक अन्य राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला आया है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वाति मालीवाल सीएम आवास से सिविल लाइन्स पुलिस थाने कॉल करने के बाद वहां पहुंची थी और वो रो रही थी, लेकिन कुछ फोन कॉल्स आने के बाद वो ऑटो लेकर वापस चली गई थी और उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दी। उनके सोशल मीडिया हैंडल पर भी शांति है। अब सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनसे समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मारपीट के इस मामले में समझौते के लिए आपने स्वाति मालीवाल से संपर्क किया है। असल में बुधवार को संजय सिंह को स्वाति मालीवाल के घर से बाहर निकलते हुए देखा गया। संजय सिंह शराब घोटाले में जेल से जमानत पर बाहर निकले हैं। इस दौरान उनके साथ वंदना सिंह भी थी, जो DCW की सदस्य है और स्वाति मालीवाल की करीबी है। टाइम्स नाउ के पत्रकार प्रियांक त्रिपाठी स्वाति मालीवाल के घर पहुंचे, जहां एक महिला कर्मचारी ने बताया कि वो वहां नहीं है। वहीं सोसाइटी के गार्ड्स ने बताया कि दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची थी। वहीं उधर स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर संजय सिंह सच में स्वाति मालीवाल को छोटी बहन मानते हैं तो कम से कम उन्हें मांडवली करना बंद करना चाहिए और FIR करवानी चाहिए। नवीन जयहिंद ने कहा कि संजय सिंह अभिनय न करे, एक्शन करे। उन्होंने इसे लाखों महिलाओं की बेइज्जती बताते हुए कहा कि यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, घटना के आरोपी जो लोग थे उन्हें सामने लाया जाए और स्वाति मालीवाल को डराना धमकाना बंद कर देना चाहिए। नवीन जयहिंद ने संजय सिंह से कहा कि वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके स्वाति मालीवाल को सुरक्षा उपलब्ध करवाए। वहीं भाजपा नेता साजिया इल्मी ने सवाल दागा है कि क्या बिना अरविंद केजरीवाल की जानकारी के ही स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होना संभव है। भाजपा इस मामले में दिल्ली सीएम की चुप्पी पर हमलावर है। अब तक FIR दर्ज तक नहीं हो पाई है। स्वाति मालीवाल कहाँ है यह किसी को नहीं पता चल पा रहा है। उन्होंने कहा कोई सामान्य व्यक्ति के घर ऐसा होता तो उसको पुलिस उठा लेती, तो फिर सीएम पर क्यों नहीं जांच पड़ताल तो हो। नवीन जयहिंद ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी वालों को 2008 से जानते हैं। वो दावा करते हैं कि उनसे ज्यादा इस पार्टी के बारे में शायद ही कोई जानता हो। वो कहते हैं कि अभी यह मामला उनके लिए व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन अगर व्यक्तिगत बना तो फिर वो अपने हिसाब से इसे देखेंगे। उन्होंने आप सांसद संजय सिंह को केजरीवाल का तोता बताया, साथ ही आरोप लगाया कि पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। जय हिंद के अनुसार संजय सिंह को पहले ही इस घटना के बारे में पता था कि ऐसा होगा। उसे यह भी पता है कि क्या क्या हुआ है, बाकी सारी चीजें वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। आपका क्या कहना है इस अपडेट को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।